पकड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। अगर आपने ये डायलॉग सुना है तो आप ये भी जानते होंगे कि ये किसने बोला था। ये बोला था बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान ने अपनी फिल्म पान सिंह तोमर में। इरफान खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम किया था और इरफान खान की एक्टिंग के सभी फैन थे। कोई भी लाखों में एक ऐसा इंसान होगा जिसे इरफान खान पसंद ना हो। इन्होंने अपने काम से बॉलीवुड में ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी कोई दूसरा एक्टर इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। इरफान खान के बड़े बेटे बाबिल खान भी बॉलीवुड में एंट्री मारने को तैयार हैं। बाबिल खान आने वाले कुछ समय में कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं, तो ये सही मौका है बाबिल खान के बारे में और अधिक जानने का। तो चलिए जानते हैं। बाबिल खान का जन्म मुंबई में 1997 में हुआ था। बाबिल खान की मां का नाम सुतापा सिकदर है और बाबिल खान अभी 24 वर्ष के हैं। बाबिल खान ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई के ही त्रेधा से की है और उसके बाद वो लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेवारी बाबिल के ऊपर ही आ गई। पिता एक सफल और मशहूर एक्टर होने का असर बाबिल पर भी पड़ा और बाबिल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरा ध्यान एक्टिंग की तरफ लगा दिया। बाबिल खान भले ही इरफान खान के बेटे हों, पर उन्होंने अपने पिताजी का नाम इस्तेमाल नहीं किया और खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन दिए और काम हासिल किया। बाबिल खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपने ही पिताजी की फिल्म करीब करीब सिंगल में असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में की थी। इसके बाद 2021 में बाबिल ने द मैट्रिक्स मैन ए यान टू एक्शन नाम की एक शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसे जेम्स फेरल ने बनाया था। इसके बाद बाबिल खान ने काला नाम की फिल्म को साइन किया जिसे अनुष्का शर्मा प्रोड्यूस कर रही हैं और इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। इसके अलावा बाबिल एक वेब सीरीज में भी नजर आने वाले हैं जिनका नाम द रेलवे मैन है और ये भोपाल गैस कांड पर बनी है। इस सीरीज में बाबिल खान पहली बार बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैसे आर माधवन, के मेनन, दिवेंदु शर्मा जैसे एक्टर्स के साथ दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बाबिल खान ने फिल्म डायरेक्टर सुजीत सिरकर के साथ फोटो अपलोड की और बताया कि वो इनके साथ भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बाबिल खान का अपने पापा इरफान खान के साथ गहरा रिश्ता था। इरफान खान जब अस्पताल में दाखिल थे तो उन्होंने बाबिल को अपने पास बुलाया और बोला कि बाबिल अब मैं मरने वाला हूँ, जिस पर बाबिल इमोशनल हो गए और बाबिल ने पापा से बोला कि आपको कुछ नहीं होगा। ये सुनकर इरफान खान थोड़ा मुस्कुराए और आंखें बंद करके सो गए। 2021 में जब इरफान खान को लाइमलाइट अचीवमेंट का अवार्ड दिया जा रहा था तो बाबिल खान उसे लेने पहुंचे थे, तो बाबिल वो अवार्ड लेकर इमोशनल हो गए थे। बाबिल खान की मां ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बाबिल खान की आने वाली वेब सीरीज का पोस्टर शेयर किया और बाबिल खान को चैलेंज करते हुए बोला कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 30 साल एक लेजेंड के साथ बिताए हैं तो उन्हें खुश कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि उनके स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं। ये अब बाबिल खान के ऊपर है कि वो क्या अपने पापा से एक कदम आगे जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा ने बॉलीवुड में एक्टिंग की जो लकीर खींची है वो बहुत लंबी है। इसमें बाबिल खान की मां ने बाबिल खान को और भी बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो एक सफल एक्टर बन पाए। इरफान खान बॉलीवुड के उम्दा एक्टर थे जिन्होंने कई बड़ी फिल्में दी हैं जैसे पान सिंह तोमर, मकबूल, हैदर, इंग्लिश मीडियम और इसके साथ ही वो हॉलीवुड की स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों में भी नजर आए। बाबिल खान अपने पापा इरफान खान के जैसे ही दिखते हैं, पर क्या वो अपने पापा के जैसे काम कर पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।